अरे कितना से कितना आर्टिकल था सिटीजनशिप में, हम ये पूछ रहे हैं। 5 से 11। अब भाग दो यही था ना वो। अरे कैसा सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता, एकल यानी सिंगल सिटीजन सिर्फ एकल नागरिकता। ठीक बा, आर्टिकल 5 बता दिए, आर्टिकल 6 बता दिए, आर्टिकल 7 बता दिए। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो मेरे साथ। अब बताओ हमको आर्टिकल 5 क्या कह रहा था। जन्म के आधार पर नागरिकता। अब जन्म के आधार पर 3 टाइप में बताए थे। एक डेट था ना हो, क्या डेट था, 26 जनवरी 1950। अब इसमें 3 टाइप का बताए थे, या तो इस डेट से पहले जिसका जन्म हो गया था वो भारत का नागरिक माना जाएगा, दूसरा जिसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म, और तीसरा कितने साल, 5 साल, 5 वर्ष पहले से रह रहा हो। किस डेट से, 26 जनवरी 1950 से पहले, बाद नहीं, पहले यदि रह रहा हो भारत में तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 यही था। आर्टिकल 6 क्या था बबुआ। हाँ, आर्टिकल 6 क्या कह रहा था, ये है 19 जुलाई 48। ठीक हो, जो कहां से आया हो, पाकिस्तान से इंडिया आया हो, ठीक है, इससे पहले, इसके बाद, इससे पहले आया हो, क्लियर है। और आर्टिकल 7 क्या कह रहा था बबुआ। आर्टिकल 7 कह रहा था जो इंडिया से पाकिस्तान गया हो, फिर वहां लाठी पड़ा, लाठी पड़ा तो फिर कहां आया, इंडिया आया, क्लियर है। यो में डेट था ना हो, 1 मार्च 1947, उससे पहले, यानी कहने का मतलब 1 मार्च 1947 कि इस डेट से पहले यदि आ गया हो, यानी 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया हो, और उसी डेट से पहले या उस डेट तक फिर पाकिस्तान से कहां आ गया हो, इंडिया आ गया हो, तब तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन 1 मार्च और 2 मार्च को यदि आया होगा ना, उसको कितना दिन मिलेगा, लेकिन कितना दिन रहना पड़ेगा, क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिखना आर्टिकल 8, ई इंपोर्टेंट हो, आर्टिकल 8 जो हो ई इंपोर्टेंट है, लिखना। वैसा व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी और देश में रह रहा हो, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार। अमांचल हमरे ले,
हम जो टीचर मान के चलो पैसा खूब कमा लिए, खूब पैसा हो गया, सोचे इंडिया में नहीं कहीं दूसरे देश में जाके बिजनेस करे, हम चल गए तुम्हारा दुबई है, दुबई हम लोग का लगता है भाई है, जब मनता मेहमानबाजी करने के लिए वहां चल जाता है, ओमान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी वाला आराम से जाता है कमाने के लिए, खास करके बिहार यूपी के जितने मुस्लिम भाई हैं अधिकतर वहीं जाते हैं कमाने के लिए, पैसा खूब हो हमारे पास गए, अब हम वहीं पे बिजनेस करने लगे, तो इसका मतलब क्या मेरा नागरिकता छीन लेगा? नहीं छीन लेगा, आर्टिकल 8 यही कह रहा है कि भारत से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र का मतलब यहाँ किसी अन्य देश में यदि कोई भारत का नागरिक रह रहा है तो उसका भारत का नागरिकता नहीं समाप्त होगा, आर्टिकल 8 यही कहता है, कोई दिक्कत है नहीं? अब लिखो आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 लिखना, भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति जो भारत का कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का भारत का कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिकता लेगा उस व्यक्ति का स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कहने का मतलब हुआ कि अभी हम बताएं कि हमारा पास पैसा खूब हो गया, हम चल गए किसी दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए, तब तक मेरा नागरिकता भारत का है, लेकिन जिस देश हम गए बिजनेस करने के लिए वो देश पसंद आ गया, कुछ अच्छा अच्छा चीज देखने को मिला जो भारत नहीं मिला हमको, भावनाओं को समझो, समझ रहे हो ना, पसंद आ रहा है हमको वहां रहना, वहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, कहीं सोच रहे वहीं पे बस जाए, तब वहां पे बसेंगे तो उस देश का नागरिकता लिए हम, तो जैसे ही हम जिस देश में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, कोई भी देश हो, और जरूरी नहीं है कि बिजनेस से करते किसी घूमने के लिए गए तो हमको पसंद आ गया, तो जैसे ही उस देश का नागरिकता लिए उसी समय उसी मिनट उसी सेकेंड जिस समय हम साइन किए उस देश की नागरिकता पर स्वतः क्या हुआ, हमारा जो भारत का नागरिकता था वो मेरा समाप्त हो गया, यानी तुम एक बंदा दो देश का नागरिकता नहीं ले सकते हो, या तो इसको चुनो या तो उसको चुनो, कोई भी चीज दो चीज अच्छा नहीं लगता है, एक ही चीज रखो तो जिंदगी में खुश रहोगे, अब दो बीवी रखोगे तो बेलन पड़ेगा, एक ही को रखो है कि नहीं, तो कोई भी चीज एक ही को रखना सही लगता है, तो सेम भारत का नागरिकता भी है कि तुम किसी अन्य देश का यदि नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, और ये क्वेश्चन आर्टिकल 9 जो है वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्टार मार लेना बेटा, समझ आ गया,
कोनो दिक्कत नहीं। तो आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब एक चीज हमको बताना, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, है? ये आर्टिकल हम 11 लिखाए थे ना, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है, आर्टिकल 11 कह रहा था ये। अब एक चीज ऐसा भी तो हो सकता है, अब संसद के पास है तुम्हारा संशोधन करने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार, तो संसद जिसको मन उसको हटा सकता है, ऐसा तो हो सकता है ना। और सबसे पहले तो राहुल गांधी को हटा देगा बीजेपी वाला, क्योंकि बीजेपी का अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अपना रखता है कि हम प्रधानमंत्री हों, अगला कांग्रेस का प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। यदि नागरिकता समाप्त कर दिया तब तो उसको ना वोट देने का अधिकार है, तो छोड़ो, तो लड़ने का कहां से अधिकार मिलेगा? ऐसा हो सकता है, और संविधान सभा ने ऐसा सोचा भी था कि हो सकता है सरकार तानाशाही हो जाए। तो आर्टिकल 10 यही कहता है, विदाउट कोई इलीगल एक्शन, देशद्रोही वाला काम, उसके सिवा तुम्हारा जो भारत का नागरिकता है वो समाप्त नहीं हो सकता है। हाँ, अब तुम हो भारत के नागरिक, काम कर रहे हो पाकिस्तान के लिए, तब तो भारत का नागरिकता समाप्त होगा। इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, तुम जा रहे हो चाइना के साथ लड़ने के लिए चाइना के तरफ से, तब तो तुम्हारा नागरिकता समाप्त है, नागरिकता का वही मार देगा तुमको। जब तुम रहे नहीं करोगे तो नागरिकता लेने से क्या फायदा, तो नागरिकता तो समाप्त हो जाएगा। तो जब तक तुम कोई इलीगल एक्शन नहीं करते हो, कोई देशद्रोही वाला काम नहीं करते हो, तब तक तुम्हारा भारत का नागरिकता किसी के मायके मजाल में नहीं है कि तुमसे छीन ले। तुमको भारत, तुम भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक रहोगे। तो आर्टिकल 10 यही कहता है, तो लिखना आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 लिखना, लिखना संसद, संसद, संसद भारतीयों की या किसी भी नागरिकों की, भारतीयों की नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता तब तक नहीं ले सकती है, तब तक नहीं ले सकती है जब तक वह कोई देशद्रोह ना किया हो, देशद्रोह ना किया हो। क्लियर है, तो आर्टिकल 10 क्या करता है, देखो हमारा संविधान बड़ा अच्छा संविधान है, यदि सरकार को पावर देती है संविधान, तो सरकार को पावर लेती भी है। कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया तो पावर दिया, लेकिन तानाशाह ना हो जाए सरकार, इसके लिए एक रोक भी लगा दिया, जैसे आर्टिकल 10, मनमानेपन तरीके से तुम किसी का नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकते हो। तुमको नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिए हम, लेकिन तुम अपना मनमानापन नहीं करोगे। हाँ, जहां इलीगल है, कोई देशद्रोही वाला काम किया है, या कोई शत्रु देश से मिल गया हो, या कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो
उस केस में ऐसा हो सकता है। बात बाकी तुम्हारे पास पावर नहीं दिए हैं कि तुम किसी भी भारत के नागरिक का नागरिकता तुम छीन लो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हमको लगता है क्लास में याद हो गया है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। अब हमने ये बताया, आर्टिकल ये बताया कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या संसद ने कभी भी नागरिकता संशोधन किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। 26 जनवरी 1950 में हमारा कानून संविधान लागू हुआ, तुरंत 5 साल के बाद पहला संशोधन किया गया यानी नागरिकता में। तो लिखना और कानून बनाया और 5 आधार पे भारत का नागरिकता मिलने का बात कहा गया संसद के द्वारा। तो एक हेडिंग दो, एक हेडिंग दो, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। क्लियर है? वैसे तो उसके इसके बाद भी कई बार किया गया, इसके बाद भी कई बार किया गया। इसने 5 आधार पे, कितने आधार पर? 5 आधार पर भारत का नागरिकता देने की बात कही। 5 आधार पर, पहला लिखना जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। क्लियर है? यानी जो भारत में जन्म लेगा उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। समझना मेरे बात को, बोल रहा है जो भारत में जन्म लेगा उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। आप तेरी के अब पाकिस्तान से कोई आदमी आया करीम नाम का, आया ताजमहल देखने के लिए, यहां कोई रेशमा मिल गई उसको, उधर करीम इधर रेशमा, प्यार मोहब्बत शुरू दोनों में, प्यार मोहब्बत दोनों में शुरू, शादियों कर लिया, अशादियों कर लिया, और यहां पे जो बच्चा जन्म लेगा वो कहां का माना जाएगा? भारत का माना जाएगा, क्योंकि जन्म के आधार पे बोल रहा है, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। या वो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया से कोई दो बंदा आया, मैरी एंड सैमी, सैमी लड़का और मेरी लड़की, जब घूमने के लिए आया तो मेरी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और जैसे इंडिया लैंड हुआ बच्चा भी लैंड हो गया। अब जन्म कहां हो रहा है उस बच्चे का? मैरी एंड सैमी कहां का? ऑस्ट्रेलिया से, और उससे जो जन्मा बच्चा टेमी वो इंडिया का। आप तेरी के, वैसे भी भारत का पॉपुलेशन कम है का, जो और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो। मां बाप ऑस्ट्रेलिया का, बच्चा कहां का माना जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ है? इंडिया में। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। अब बच्चा जन्म ले लिया, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बोला रे पगला, ऐसे हाल रहा ना। आज न हुए हम लोग चाइना को पछाड़े, यदि इसमें संशोधन न होता ना तो कब का पछाड़ दिए रहते, कोई बराबर नहीं कर पाता, हमारा डबल हो जाता। ऐसा मत समझना कि भारत
पर्यटन का जगह नहीं है, बहुत बड़ा पर्यटन का जगह है, टूरिस्ट लोग बहुत आता है घूमने के लिए। हाँ उसको पसंद है, अब रसिया एक ठंडा जगह है, उसको चाहिए विटामिन डी। क्या चाहिए? विटामिन डी, सूर्य का रोशनी। आराम से गोवा के बीच पे वो पलंग बिछाया और समुद्र के किनारे सुतल है, विटामिन डी ले रहा है। अरे फॉरेनर के लिए गोवा में अलग से बीच बना दिया गया है, उसमें कोई इंडियन नहीं जा सकता, बिहारी जाएगा तो और पगला देगा उसको। अब बताओ यदि इसमें संशोधन नहीं होता तब तो और बढ़ ले रहता पॉपुलेशन, जिसमें संशोधन होना जरूरी था। तो इसमें संशोधन हुआ 1986 में, कब हुआ देखो कितना दिन के बाद हम लोग का आंख खुला। कब हुआ था पहला और फिर बाद में कब? 86 में। इसमें कह दिया गया ठीक है जन्म के आधार पे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन उसके मां या बाप में से कोई एक कहां का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। समझ लो ना मेरा बात, माता या पिता में से कोई एक कहां का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए, तभी उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। हाँ वो लाइट आ गया। डिस्टर्ब मत करो यार, लाइन में रहते हैं तो लाइन में रखो हमको, लाइट थोड़ा लाइट से लेने देना होगी, हमारा से लेने देना हो लाइट। हेलो गेलो छोड़। 55 में कानून बना और संशोधन कब हो रहा है? 1986 में। अब बोल दिया गया कि माता पिता में से दोनों में से एक कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। लेकिन यहां पे भी दिक्कत आया, जैसे अभी बोले करीम आया पाकिस्तान से ताजमहल देखे, रेशमा पसंद आ गई, शादी हो गया। जैसे वो सीमा आई है ना, आई ना रे, बड़ा सुंदर है, लेकिन देखने में सुंदर है। उसका सुंदरता ना हम, मेरा जो माथा है वो घुमार है कि एजेंट है, ज्यादा सुंदर नहीं रहती ना, तब हो सकता है कि हमको लगता है कि चलो प्यार मोहब्बत में आया है, कसम खुदा की तगड़ा है। और उतना सुंदर लड़की आई है वो भी पबजी के माध्यम से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चार को टेमना टेमनी को भी लेके आया तो मे भी सच भी हो सकता है, लेकिन उसका सुंदरता जो है ना दिखा रहा है कि वो हो सकता है वो एजेंट है। ठीक है भगवान जाने, यदि मोहब्बत है तो क्या जाने सरहद है, तो हो सकता है। तो इस इंडिया में भी तो ऐसा हो सकता है कि रेशमा चल जाए करीम के पास, करीम यही रह जाए। अब मान के चलो करीम और रेशमा से अशरफ नाम का एक बंदा हुआ, बच्चा हुआ, करीम जो है और आईएसआई का एजेंट हो, जानबूझ के रेशमा से शादी किया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अब करीम आतंकवादी है, यदि सोहर आतंकवादी है तो हो सकता है बेगम को भी आतंकवादी वाला गुण दे दे, और सोहर और बेगम से जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी एक आतंकवादी बने। तो 2003 में अब देखो, 86 के बाद कब गए हम लोग, 2003 में, 2003 में बोला कि माता भारत का हो तो कोई दिक्कत नहीं, पिता भारत का दो हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि माता किसी अन्य देश का हो, पिता किसी अन्य देश का हो, तो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तुमको आधार कार्ड मिला है कि नहीं मिला है, वोटर आईडी मिला है कि नहीं मिला है, कि जिस यूनिवर्सिटी में हो, जिस कॉलेज में हो, सब कुछ मिला है कि नहीं मिला है, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट हुआ। तो वही पिता का या माता का डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल हो, इलीगल नहीं हो, कि हो आईएसआई का एजेंट और बता दे कि हम पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं। अरे पगला, तुम आया है AK-47 का पीएचडी करके,
अब बता रहे हैं कि हम डॉक्टरेट करके आए हैं, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तब जाके उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। कोनो दिक्कत समझ आ गया? तो जन्म के आधार पे सही है, जिसका जन्म होगा भारत में भारत का नागरिकता माना जाएगा, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक कहां का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, और दोनों का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो क्या कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तब जाके उस बच्चे को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना? चलो आगे लिखो, वंश के आधार पे, वंश के आधार पे बाय डिसेंट। दूसरा किसके आधार पे? वंश के आधार पे। बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। अभी समझना मेरे बात को, हमारा देश जो है ना वो हाल फिलहाल तक, जब से एंड्रॉइड वाला या गूगल वाला सिस्टम नहीं आया, तब तक हमारे देश में जो है ना लड़कियों को महिलाओं को उतना अच्छा, वो जो बराबरी वाला नजर से देखते हो उतना नहीं देखा जाता था। अभी भी रूरल एरिया चल जाओ तो लड़की 18-19 साल की हुई, 20 साल की हुई, जबकि उसका एज अभी पढ़ने का, कुछ करने का, ये साइकोलॉजी है। समाज तो छोड़ो, उसका परिवार तो छोड़ो, उसका मां बाप जो होता है वो उतारू हो जाता है लड़की का शादी करवाओ। कहावत में है कि महिला की बात अच्छे तरीके से एक महिला जान सकती है, लेकिन शादी विवाह के मामले में हम तुमको बता रहे हैं, हम नोटिस किए हैं, बहुत को देखे हैं, हम अपने करीबियों में देखे हैं, रिश्तेदार में देखे हैं ये चीज कि जल्दी शादी करवा दो, नहीं तो हो सकता कुछ गलत कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जबकि उसको पता है कि मेरी बेटी इस टाइप की नहीं है। बिल्कुल हम बता रहे हैं नहीं होती है, लेकिन तब भी एक मन में डर, क्योंकि समाज का डर रहता है वो लोग को। इन समाज के डर से तुम अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये मां बाप को समझ नहीं आता है। अरे क्या दिक्कत है, शादी कर ही लिया किसी अन्य जाति में, कोई दिक्कत नहीं, लिबरल है, बट लड़का अच्छा होना चाहिए, कर लिया कर लिया। हमारा समाज आज से नहीं, शुरुओं से, सदियों से, वैदिक एज से हम बता रहे हैं कितना करोड़ों साल हुआ है, उतना करोड़ों साल तक जो आज भी हमारा जो साइकोलॉजी है लड़कियों के प्रति वो यही है कि वो कम आंकते हैं, उसको बराबरी में देखना नहीं चाहते हैं, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका कोई भी हो, हस्बैंड से लेकर के आने वाला बेटा तक यदि होगा तो वो भी यही करेगा, ऐसा देखा जाता है। हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज रहा है, यानी पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, महिला प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान रहा है, पुरुषों को ज्यादा आका जाता है कंपेयर टू महिला। 20 साल में उसका शादी करवा रहे हो, कैसा लड़का है, नहीं लड़का है, उसके साथ तुम शादी करवा दियो, इससे बेटर है। और आज का डेट ऐसा हो गया है, हम तो बोलते हैं कि यदि तुम्हारा मां बाप यदि तुमको बोल रहा है कि 20 साल 21 साल में शादी करो, तुम डायरेक्ट मना करो, क्योंकि अब का जो डेट आने वाला है ना, अब का जो जनरेशन आने वाला है, तुम यदि अपने पैर पे खड़ा नहीं रहे ना तो तुमको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। लड़का दिल्ली पंजाब कहीं पे भी जाके कमा सकता है, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में कहीं पे भी रोड पे निकल सकता है, लड़की में ये दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। तो लड़की को तो अब पैर पे खड़ा होना ही होना चाहिए, लड़का भले हो ना हो, क्योंकि वो कहीं पे भी कमा लेगा,
लड़की को यदि माँ बाप भेजता है यहाँ पढ़ने के लिए तो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए इधर उधर के चक्कर में, कुछ कर लेना चाहिए ताकि उसको आगे नहीं देखते। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग प्रेजेंट को सोचते हैं, फ्यूचर को भूल जाते हैं, वर्तमान में जीते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। इन कभी सोचना बैठ के अकेले में कि ये जो कर रहे हैं हम लोग इससे हमारा भविष्य क्या होगा, फिर वही आटा बेलन पकड़ना पड़ेगा। हस्बैंड का चार बात सुनो, सास का चार बात सुनो, और वही यदि तुम किसी जॉब में हो, ये लड़की के लिए, यदि किसी जॉब में हो अब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम देखना तुम कैसे बदल जाता है। नहीं बोलता वक्त बदल गई, जज्बात बदल गई, सब बदल जाता है। सास आएगा प्रेम से बात करने के लिए, तुम छोड़ दो ना हम ही बना लेते हैं। हस्बैंड आएगा प्यार से, 100 रुपए देखे, ये तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा मांगने के लिए। और आज का जनरेशन ऐसा हो रहा है, लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, ऐसे लड़का को भी होना चाहिए, नहीं लड़की को ज्यादा होना चाहिए, काहे ले किसी पे डिपेंड रहे। हमारा समाज बड़ी पितृसत्तात्मक समाज रहा है, अब लेकिन बदल रहा है, अब चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग पूरा एक ये क्या है, ये जो एक वर्ड सुनते होंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण है क्या, एक गांव है, जिस प्रकार गांव में सब मिलके रहता है ना, ग्लोबलाइजेशन भी आज वही हो गया है। अमेरिका में क्या हो रहा है तुरंत तुमको पता चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के किस कोने में क्या हो रहा है तुरंत तुमको पता चल रहा है, तुरंत उससे सबक लेते हो। कहीं पे लड़की के साथ छेड़खानी हो गया, कहीं पे मार दिया गया, कहीं पे रेप हो गया, तुरंत तुमको न्यूज आता है, लड़की लोग देखती है, सबक सीखती है उससे और वो काम से बचती है। ग्लोबलाइजेशन है, कुछ छुपेगा नहीं अब, और अपने पैर पे इस ग्लोबलाइजेशन में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अब किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। ये जो वंश के आधार, ये जो तुम हम बता रहे हैं पितृसत्तात्मक समाज है, ये सोच मिलेगा इस वंश के आधार पर। अब बोलोगे कैसे वंश के आधार पर, इसमें बताया गया कि वंश जो माना जाएगा वो पिता के आधार पर माना जाएगा। किसके आधार पर माना जाएगा, पिता के आधार पर माना जाएगा। यानी अभी हम बताएं कि करीम आया पाकिस्तान से, रेशमा यहां की थी, उससे जो बच्चा जन्म लिया उसको तो मिल गया। अब थोड़ा सा इसका उल्टा करो, अब करीम जो है तुम्हारा, या वो छोड़ो ना हटाओ ना, सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, सुने हो ना, शादी किससे किया, स्वयं मलिक से, पता नहीं कहां चल गई, काहे चल गई वहां पे, शादी किया उससे। अब दोनों का जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, अब यदि वंश के आधार पे जाए तो वंश के आधार पे क्या है, पिता है, और हम तुम किस पे है, हम तुम किस पे हैं, वंश के आधार पे हैं हम तुमको जो क्या तुम 1950 में जन्म लिए थे का है, लिए थे हमारे पिताजी ना लिए थे, पिताजी नहीं लिए होंगे तो हमारे दादाजी लिए होंगे, तो हमको नागरिकता किस आधार पे मिला है, वंश के आधार पे मिला है। अब मान के चलो यदि वंश के आधार पे पिता को मान लिया जाए तो स्वयं मलिक तो कहां का है, पाकिस्तान का है, सानिया मिर्जा इंडिया की, उसका नागरिकता है ना वो इंडिया में, हमको नहीं पता इंडिया की है, पाकिस्तान का नहीं ली है वो, इंडिया की है वो, इंडिया का ही नागरिकता है। अब उससे जो जन्म लिया हुआ बच्चा है अब तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वंश के आधार पे किसको माना जा रहा है, पिता को, और पिता कहां का है, पाकिस्तान का, तब तो बच्चा पाकिस्तान का बन गया। अब सानिया मिर्जा कह रही नहीं, मेरा बच्चा कहां का रहेगा, इंडिया का रहेगा, ये तो गलत हो गया ना, ये पुरुष प्रधान अभी है, मतलब ये सोच पिता है तब ये माना, मां है तो नहीं माना जाएगा, का अधिकार मिला है तो सबको मिलेगा ना, इक्वेलिटी यानी समानता की भावना से सबको देखो, क्यों जेंडर चेंज करवा रहे हो, क्यों पुरुष है ये महिला है उसको पुरुष के आधार पे मिलेगा, महिला के आधार पर नहीं, ये ना चलवे। और बाद में क्या कह दिया गया, पिता के साथ साथ माता भी, पिता के साथ साथ माता भी, दोनों में से किसी यदि कोई भी, दोनों में से कोई, चाहे पिता हो चाहे वो
माता हो, दोनों में से कोई यदि भारत का नागरिक है, उसका बच्चा भी कहां का नागरिक माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, बच्चा को मिलेगा। सानिया मिर्जा तो खुद है ही है यहाँ की, तो उसको काहे नहीं, उसको तो पहले से ही मिला हुआ है कि नहीं। तीसरा लिखो, पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन। अब समझो, जिसका जन्म भी भारत में ना हुआ हो, जिसका माँ भी भारत का नहीं है, जिसका बाप भी भारत का नहीं है, जिसका दादा दादी नानी तानी चानी सानी दानी जो भी हो, कोई भारत का नागरिक नहीं आया देखने के लिए, भारत पसंद आ गया, वैसे भारत सबको पसंद आ जाता है, इतना प्रेमी है यहाँ पे। और हमारा देश एक ऐसा देश है ना, सबको मिलजुल करके एक रहने वाला देश है, बैर किसी को हुई नहीं। जो अच्छा इंसान होगा और भारत आ जाए, यहां से दुखी होके नहीं जाएगा, खुश होके ही जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी था, आया भारत घूमने के लिए, चलो देखते हैं ताजमहल कैसा है, लाल किला कैसा है, ताजमहल अच्छा लगा, प्रेम का निशानी है, उसको मन हो गया कि हम अब कहां रह जाए, भारत में रह जाए। लेकिन उसका जन्म भारत में हुआ था का? उसका माँ या बाप भारत का था का? दादा दादी नाना नानी कोई था भारत का? कोई नहीं था भारत का। अब उसको रहना, अब उसको लेना पड़ेगा। अब उसको मन किया, पंखे भी बंद करवाएगा, बताओ गर्मी है, अब उसको मन करेगा, अब क्या हो रहा है, लाइट वो बंद कर दे तो दिखेगा कैसे हो। अब उसको मन करेगा कि हमको भारत का नागरिक बनना है, तो वो गृह मंत्रालय, कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ना, उसके पास जाएगा, बोलेगा कि हमको भारत का बनना है, हमको भारत का बना दो, भारत का नागरिक दे दो। जैसे सीमा हैदर, उसका अबू थे क्या भारत के? नहीं ना, उसके सोहर थे क्या भारत के? सोहर भारत के थे? दोनों आंखियां निकाल लेंगे, नया सोहर भारत का है, पबजी वाला सोहर बोलो उसको, वो भारत का है। अब उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? मांग रही है ना, हमको भारत का नागरिकता दिया जाए। उसके पास एक एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। हे प्रभु, हमको भारत का नागरिक बनाओ। किस मंत्रालय के पास? गृह मंत्रालय के पास, होम मिनिस्ट्री के पास। गृह मंत्रालय बोलेगा वत्स देंगे तुमको, अच्छा देगा कि नहीं देगा हमको नहीं पता, ठीक है, क्या सुंदर है, एजेंट हो सकती है। कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा उसको? 7 वर्ष तक भारत में रहो, तब तुमको भारत का नागरिकता मिलेगा। 7 वर्ष तक क्यों? जो अभी बताएं, कहीं एजेंट तो नहीं है, देखरेख करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे भारत का नागरिकता दे दे, जो मुंह उठा के चाहे चल दे, खुआएगा दाल भात का ले लो। कम से कम कितना दिन रहना पड़ेगा तुमको? 7 साल तक भारत में रहोगे, जांचेंगे, परखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे, फोन कहां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सचिनवा के अलावा वो सब देखेंगे, तब जाके तुमको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया? अब लिखो, देसीकरण के द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण के द्वारा।
ये लिख लेना, 7 वर्ष बाय नेचुरलाइजेशन, 7 वर्ष कहां है? हमको लगा सावन है रे, बाबा का दिन है, कहीं बाबा का बूटी ना मार लिया हो। लिखा, चौथा लिखो, देशीकरण के द्वारा। चौथा किसके द्वारा? देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा। ये क्या है? ये ठीक ठाक वाला है। अदनान सामी का नाम सुने होंगे? अदनान सामी एक पाकिस्तान का सिंगर है, अब उसको भारत का नागरिक मान लिया गया है। अब उसको किस आधार पे मिला होगा? देशीकरण के द्वारा। यानी वैसा व्यक्ति जो कला, विज्ञान और आठवीं अनुसूची में कई गो भाषा है, 22 गो भाषा है, उसमें से किसी एक भाषा को जानता हो, बोलना आता हो, और तब यदि उसको नागरिकता मिलेगा। मान के चलो नासा का कोई साइंटिस्ट है, आया घूमने के लिए भारत, इसरो अभी एक पर एक काम कर रहा है, चंद्रयान 3 छोड़ा गया, चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक दिन क्लास लेंगे, बताएंगे चंद्रयान 3 के बारे में पूरा। तो कला, विज्ञान और भाषा, यहां विज्ञान का बात हो रहा है, इसरो का बात हो रहा है, अब कोई साइंटिस्ट आया बोला है ना, हमको नासा में नहीं रहना, हमको इसरो में काम करना है, भारत सरकार बोलेगा नेकी और पूछ, अच्छा है इसरो का और नाम होगा, लेकिन क्या पता नासा तुमको ये कह के भेजा हो कि इसरो को जाके बर्बाद कर दो। अभी बड़ी उछल रहा है इसरो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वैसे ही तुमको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। कितना साल रहना पड़ेगा? 10 वर्ष तक रहेगा, तभी तुमको भारत की नागरिकता मिलेगी। किस मंत्रालय से? गृह मंत्रालय से। किस मंत्रालय से? गृह मंत्रालय से। कोनो दिक्कत नहीं ना? समझ आ रहा है ना पूरा टोटली? तो कला हो, विज्ञान हो या भाषा हो, तीनों में से किसी एक का बढ़िया ज्ञानी हो, तब जो उसको भारत का नागरिकता मिलेगी वो देशीकरण के द्वारा मिलेगी, और उसके लिए कितना दिन रहना पड़ेगा? 10 वर्ष रहना पड़ेगा। क्लियर है? अब लिखना लास्ट पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर, एक्वायर लैंड अर्जित भूमि के आधार पर। इसमें कोई 5 साल, 10 साल, 5 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 दिन, कोई कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि वैसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं है या नहीं था, आर्टिकल 2 याद आ रहा है, सिक्किम याद आ रहा है, सिक्किम भारत का पार्ट था क्या? कब बना? 1975 में ना, 22वां राज्य बना सिक्किम, उससे पहले तो सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। तो जब सिक्किम, अब सिक्किम एक एरिया है, सिर्फ खोखला एरिया तो नहीं है, सिक्किम में तो लोग भी रह रहे हैं ना, तो जब सिक्किम भारत का पार्ट बना तो उस वहां के लोग बोलेंगे ना, तो हमको भी नागरिकता दो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब मान के चलो बिहार भारत का पार्ट नहीं रहता और बिहार को भारत में मिलाया जाता, तो जितने भी बिहारी है वो सरकार से मांग करता कि नहीं करता कि हमको भारत का नागरिकता दो? तो किस आधार पे दोगे नागरिकता?
जन्म तो नहीं हुआ है, ना ही उसका माँ बाप हुआ है, ना ही पंजीकरण हुआ है, ना ही देशीकरण हुआ है, ना ही वंश है उसका, तो किस आधार पे दोगे? तो ये भी ऐड कर लिया गया कि वैसा चीज, वैसा क्षेत्र जो भारत का पार्ट नहीं था और वो बाद में या कभी भी भारत का पार्ट बनेगा या भारत का पार्ट बना हो, जैसे ही बना उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, सिक्किम भारत का पार्ट बना तो सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग थे वो अपने आप भारत का नागरिक बन गया, क्योंकि अब सिक्किम भारत का हो गया ना। अब पाकिस्तान फोन कर दे सवाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही ना है, हमसे हम नहीं संभल पा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान बड़ा दुर्गति में है, हमसे नहीं संभल पा रहा है, ऐसा करो पाकिस्तान को भारत में मिला लो। तो पाकिस्तान में जैसे ही भारत को मिलाया, यानी पाकिस्तान मिला भारत में, तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहां का नागरिक मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो वही कहता है अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जो भूमि अर्जित किया उसके आधार पे वहां के लोग भी कहां का नागरिक मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो कितने आधार पे हम बोले? 5 आधार पे। पहला कौन सा? जन्म। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है? आर्टिकल 11। संसद ने पहली बार कब संशोधन किया, कानून बनाया? 1955 में। बाद में संशोधन होते रहा, फिर एनआरसी आया, जो एनआरसी था, सीए आया, बहुत कुछ, एमआरआई का नाम सुने होंगे,